हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए विंटर ड्रेस। ये मैंने 0 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाया है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने वेलवेट से बनाया है। तो यहाँ पे हमने पैंट, जैकेट और कैप बनाई है। तो चलिए ड्रेस पहनाते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो ये मैंने 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी लिए हैं। तो इसको हम ये ड्रेस पहनाएंगे। हम 0 से 3 को आसानी से पहना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। फ्रेंड्स, मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के, ज्वेलरी के। अगर आपको देखना हो तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं, एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया है, इसकी लंबाई है 4.5 इंचिस और चौड़ाई 2.5 इंच। सिंगल फोल्ड करके यहाँ पे टिच कर लेंगे। अब दोनों किनारों पर हम टिच कर लेंगे। तो ये टिच मैंने 1.5 इंचिस की है। हम यहाँ पे नेफा बनाएंगे तो कपड़ा हम ज़्यादा मोड़ेंगे ताकि हमें इसमें इलास्टिक बनाएं। अब दोनों किनारों को जोड़कर हम जॉइंट टीच लगा देंगे। तो देखिए ये हमारी टीच हो गई। अब सेंटर निकाल कर हमारा जॉइंट बीच में करके यहाँ पे वी आकार में टीच कर लेंगे और कट करके पलट लेंगे। तो देखिए ये हमारी पैंट बन के रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें इलास्टिक। तो मैंने ये सुई और धागा लिया है, इनकी मदद से मैंने इलास्टिक डाल दिया है। और यहाँ पे अच्छी तरह से नॉट्स लगा देंगे और कैंची की मदद से काट लेंगे। तो ये हमारा पैंट बनके रेडी है। यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया है, इसकी लंबाई है 3 इंच और 1.5 इंच। इसकी हम बनाएंगे कैप। तो सिंगल फोल्ड करके टिच कर लिया है। दोनों किनारों को जोड़कर टिच कर लेंगे और पलट लेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है बेन। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी लिए हैं, नाप कर लिया है। थोड़ी मैं बड़ी रखूँगी ताकि ये 3 नंबर को भी एक कैप आ जाए। अब हम सुई धागे से यहाँ नॉट लगा देंगे अच्छी तरह से ताकि कपड़ा और धागा छूटे नहीं। और ये हमारी कैप बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे जबला। तो 2 पार्ट लिए है, इसकी लंबाई है 4 इंचिस और चौड़ाई इसकी 2 इंचिस है। अब चारों कोनों को जोड़कर यहाँ पे 1/2 इंच चौड़ाई और 1 इंचिस लंबाई पर मार्क करके यहाँ पे राउंड शेप हल्का सा देकर कैंची की मदद से काट लेंगे। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम इस तरह से डबल फोल्ड करके चारों साइड हम टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने टिच कर लिया है। अब हम दोनों को यहाँ पे जोड़ कर टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारी टिच हो गई। मैंने 1.5 इंच तक टिच की है फ्रेंड्स। अब इस तरह से मोड़कर हम दोनों बाजुओं को इस तरह से टिच कर लेंगे। अब हम पलट लेंगे। तो देखिए है ना इजी तरीका जबला बनाने का। अब नीचे साइड हम इस तरह से मोड़ कर टिच कर लेंगे। अब हम लगाएंगे वेलक्रो। तो ये बाजार में आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से हम टिच करके वेलक्रो को अटैच कर देना है। अब दूसरी साइड भी हम टिच करके अटैच कर देंगे। तो ये हमारा जबला बन के रेडी। गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।